देखेंगे स्वाभाविक रूप से जब बाहर प्रतिस्पर्धा होगी तो उसका फायदा किसान को ही मिलेगा। दूसरा यह भी कहा जाता है कि किसी व्यापारी को नुकसान हो जाएगा, मजदूर को नुकसान हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अभी एक व्यापारी एक मंडी का लाइसेंसधारी है, वो उसी मंडी में खरीद फरोख्त कर सकता है। इससे लाइसेंस राज समाप्त होगा, इंस्पेक्टर राज समाप्त होगा, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगेगा, किसान भी स्वतंत्रता पूर्वक एक राज्य से दूसरे राज्य में अपने उत्पादन को बेच सकने के लिए आजाद होगा और व्यापारी भी पूरे देश में कहीं भी व्यापार करने के लिए आजाद होगा। जहां ट्रेड होगा, जहां माल की ढुलाई होगी, वहां लोगों को रोजगार मिलेगा। हम लोगों ने ई प्लेटफॉर्म की बात कही है, वो कुछ लोगों को पुसाती नहीं है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से एक बिचौलियों की बड़ी ताकतवर भूमिका रही है। लेकिन आप सब जानते हैं कि मोदी जी पारदर्शिता प्रेमी आदमी हैं और पारदर्शी व्यवस्था को लागू करने के लिए वो किसी भी सीमा तक जाते हैं, और उसी का परिणाम है कि आज चाहे वो गैस की सब्सिडी का मामला हो और चाहे पीएम किसान योजना के अंतर्गत 93,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डालने का काम हो, एक बिचौलिया नहीं है। एक जमाना था जब ये कहा जाता था कि दिल्ली से 100 रुपए भेजते हैं, गांव में 15 जाते हैं, लेकिन आज आप दावे के साथ कह सकते हो कि 100 भेजते हैं तो 100 के 100 जाते हैं। पिछले दिनों ई नाम प्रोजेक्ट पर खरीद हम लोगों ने शुरू की। पहले 585 मंडियां जोड़ी गई थी, अब आज 1,000 मंडियों पर हो रही है, काम हो रहा है। और ई नाम प्लेटफॉर्म पर 35,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ है। इस एक्ट के आने के बाद तमाम सारे जिला स्थानों पर, तमाम सारे ब्लॉक स्थानों पर अनेक ई प्लेटफॉर्म खड़े होंगे और हम उन प्लेटफॉर्म के माध्यम से पारदर्शिता से ट्रेड करेंगे। कोई भी ई प्लेटफॉर्म, कोई भी व्यापारी अमानत में खयानत नहीं कर सकता है। आज मंडी का व्यापारी या मंडी का कोई भी कानून किसान को 3 दिन में पेमेंट की गारंटी नहीं देता, आज का यह विधेयक किसान को 3 दिन में पेमेंट होने की गारंटी देता है। जो मैंने पहले कहा था कि व्यापारी बढ़ेंगे, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और ई प्लेटफॉर्म बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे नौजवान पढ़े लिखे भाइयों को रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे, बड़ी मात्रा में रोजगार लोगों को मिलेगा। और इसलिए मैं आप सब लोगों को यह कहना चाहता हूं कि आने वाले कल में एक्ट के कारण और 1,00,000 करोड़ के कृषि अवसंरचना कोष के कारण और किसान की बढ़ती हुई आय के कारण जो परिस्थिति और इंफ्रास्ट्रक्चर नीचे डेवलप होगा, उससे निश्चित रूप से कृषि के क्षेत्र में उन्नति होगी, समृद्धता आएगी, किसान की आय बढ़ेगी। अभी तक हम किसान की सामान्य माली हालत पर विचार करते थे, कुछ योजनाएं चालू करके उसकी हम मदद कर देते थे, लेकिन पहली बार हमारे इस मूल्य आश्वासन और कृषि करार विधेयक के माध्यम से किसान के खेत की फसल की बात शुरू हुई है। मूल्य आश्वासन को हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहकर आलोचना कर देते हैं, यह करार तो है लेकिन यह करार किसी कॉरपोरेट की आमदनी बढ़ाने के लिए नहीं है, यह करार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए है।
बात कोई भी राजनीतिक दल करे, बात कोई भी नेता करे, लेकिन किसान के फार्म पर जाकर उसकी मदद कोई नहीं करता। देश में 86% छोटे किसान हैं, और ये 86% छोटा जो किसान है, इसकी खुद की अपनी माली हालत भी ऐसी नहीं है कि अपने खेत में निवेश कर सके। और वो छोटा किसान है, उसका खेत का रकबा छोटा है, इसलिए कोई भी प्रोसेसर, उद्योगपति, व्यापारी, स्टार्टअप उसके पास नहीं पहुंच पाता। ये संगठित हों, ये इकट्ठा हों, छोटा छोटा रकबा मिलकर एक एफपीओ के माध्यम से बड़ा रकबा बने और बड़े वॉल्यूम की पैदावार हो और बड़े वॉल्यूम का करार भी हो, तो निश्चित रूप से फायदा किसको होगा? हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी गांव की। इसलिए जो लोग विधेयक की आलोचना कर रहे हैं, मैं उनको यह कहना चाहता हूं कि यह जो दोनों एक्ट हैं, ये दोनों एक्ट कृषि की अर्थव्यवस्था को बल देने वाले हैं। जहां तक किसान की संरक्षा का सवाल है, मैं बहुत सारे राज्य सरकारों की बात हुई है, आज किसान के साथ अन्याय होता है तो कौन सा कानून है किसी राज्य में जो उसकी सुरक्षा की जाएगी? लेकिन इन कानूनों के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अगर अमानत में खयानत करेगा तो उसकी सुरक्षा का प्रावधान इन दोनों एक्टों में किया गया है। मूल्य आश्वासन एक्ट के अंतर्गत करारकर्ता और किसान जब दोनों आपस में करार करेंगे तो ये करार ऐसा करार नहीं होगा कि कोई किसी गरीब किसान की जमीन पर कब्जा कर सके। इस विधेयक में इस बात का प्रावधान है कि करार करते समय भूमि से संबंधित कोई भी करार नहीं होगा। अगर किसी ने भी भूमि से संबंधित कोई भी लिखा पढ़ी करी तो ये कानून का उल्लंघन ही माना जाएगा, ये विधेयक में प्रावधान नहीं है। दूसरा, अगर किसान की जमीन पर करार करता उसके साथ मिलकर काम कर रहा है और कोई फसल ऐसी है कि उस फसल के लिए उसको कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, दोनों की रजामंदी से इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन सकता है, लेकिन उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर किसान का ही स्वामित्व होगा, करारकर्ता का कोई स्वामित्व नहीं होगा। जिस दिन करार खत्म होगा उस दिन करारकर्ता या तो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को उखाड़ कर ले जाएगा, और अगर वो उखाड़ेगा नहीं तो किसान ही उसकी भूमि का मालिक है, वो उस अधोसंरचना का भी मालिक हो जाएगा। जहां तक किसान और करारकर्ता के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो हमने ये व्यवस्था की है कि वो विवाद एसडीएम के पास जाएगा, एसडीएम दोनों पक्षों से कहेगा कि आप एक एक पंच या दो दो पंच नियुक्त कर लो, किसान के भी दो प्रतिनिधि होंगे, व्यापारी के भी दो प्रतिनिधि होंगे, और एसडीएम कहेगा कि आप लोग इसमें सुलह करके आओ। अगर ये पंचायत सुलह कर लेती है तो ठीक है, और अगर सुलह नहीं करती तो किसान एसडीएम के पास जाएगा और एसडीएम 30 दिन के अंदर उसका अनिवार्य रूप से फैसला देगा, ये प्रावधान हमने इसमें किया है। और साथ ही साथ ये भी प्रावधान किया है कि करारकर्ता और किसान के बीच में जो करार है उसमें अगर कोई विवाद खड़ा होता है तो विवाद के विरुद्ध अगर एसडीएम कोर्ट में फैसले के लिए जाते हैं और ऐसा लगता है
कि भाई इसमें किसान की गलती है, तो किसान से अगर वसूली का आदेश होगा तो सिर्फ उतना ही आदेश हो सकता है जितना आदान प्रदान करने के लिए करारकर्ता ने उसे दिया हो। अगर बीज उपलब्ध कराया है, पेस्टिसाइड उपलब्ध कराया है और कोई टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराई है, तो कुल मिला के अगर 100 रुपये उसने उपलब्ध कराए तो 100 रुपये ही किसान के द्वारा दे होंगे। साथ ही SDM कोर्ट भी किसान की भूमि के विरुद्ध इस पारित आदेश की जो राशि है उसकी वसूली नहीं कर सकता। किसान की भूमि को पूरी तरह सुरक्षित रखा गया है। किसान तय करेगा कि मैं अगली फसल पर दूंगा तो अगली फसल पर ही होगा, लेकिन व्यापारी अगर गड़बड़ करता है तो व्यापारी को 100% करार का पालन करना होगा और उस पर जुर्माना भी किया जा सकता है। ये भी प्रावधान किया है, किसान पर किसी प्रकार का जुर्माना नहीं होगा। मूल्य आश्वासन का मायने ये कि जिस दिन करार होगा, ये करार बुआई से पहले होगा और बुआई के समय एक मिनिमम कीमत दोनों लोग मिलकर तय करेंगे। और दोनों लोग मिलकर, जैसे उदाहरण के लिए केला है, तो एक मिनिमम मूल्य निकाला कि केला 10 रुपये किलो, तो करार में 10 रुपये किलो आएगा। ये 10 रुपये किलो का भुगतान ओला पाला इल्ली बाढ़ प्राकृतिक आपदा कुछ भी आए, लेकिन करारकर्ता को मिनिमम मूल्य का भुगतान किसान को करना ही होगा, यह उसके लिए बाध्य। और साथ ही यह भुगतान करेगा किसान को, लेकिन अगर फसल आई और फसल आने के बाद अगर प्रोविजन है आप देखो, और उसके बाद अगर फसल आई और उसकी कीमत 20 रुपया किलो हो गई, तो करार करते समय इस बात का करार में उल्लेख किया जाएगा कि कीमत अगर दुगनी होगी तो इतना प्रतिशत किसान को और मिलेगा। यह प्रावधान भी उसमें किया गया है। तो किसान की संरक्षा दोनों एक्टों में की गई है। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि अगर मंडी परिधि के बाहर का जो प्रमाइसेस है, चाहे वो किसान का घर हो, चाहे वो किसान का खेत हो, चाहे वो किसान का माल जहां रखा है वो वेयर हाउस और कोल्ड स्टोरेज हो, अगर उस पर से खरीद की जा रही है तो उस पर कोई टैक्स लगने वाला नहीं है। ना राज्य सरकार टैक्स लगा सकती है, ना केंद्र सरकार टैक्स लगा सकती है। मैं टैक्स का स्लैब आपको पढ़ के बताऊं तो राज्य सरकारों का मंडी टैक्स 2% से लेकर 8.5% तक है। पंजाब के हमारे मित्र अभी बात कर रहे थे, सर्वाधिक पंजाब में 8.5% है। और मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि अगर मंडी के बाहर ट्रेड होगा तो यह 8.5% टैक्स नहीं लगेगा, और यह 8.5% का फायदा सीधा सीधा किसान को होने वाला है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं और बहुत विनम्रता से अनुरोध करना चाहता हूं कि ये खेती और किसानी से संबंधित विधेयक हैं, ये किसान के चेहरे पर खुशहाली लाने वाले हैं, किसान की जिंदगी को बदलने वाले हैं, हिंदुस्तान की एग्रीकल्चर ग्रोथ को बढ़ाने वाले हैं, हिंदुस्तान के किसान को निर्यातक से जोड़ने वाले हैं, हिंदुस्तान के किसान को आगे बढ़ाने में योगदान देने वाले हैं। इसलिए इन विधेयकों को कृपया राजनीतिक चश्मे से न देखें। मेरी विनम्र प्रार्थना है कि इन विधेयकों को पढ़ें और अपने जमीर पर हाथ रख के सोचें
कि अगर विधेयक किसान को फायदा पहुंचाने वाला है तो विधेयक का समर्थन करें, और अगर आपको लगता है कि राजनीतिक बात करना है तो मुझे कुछ कहना नहीं है। मैं इस अवसर पर सिर्फ यही प्रार्थना आप सब लोगों से करना चाहता हूं कि आप सबका आशीर्वाद, आपका समर्थन इन विधेयकों को मिलना चाहिए, और इन विधेयकों को मैं सबसे कह रहा हूं, आपसे नहीं, मैं सबसे ही कह रहा हूं आपका समर्थन और आशीर्वाद इन विधेयकों को मिलना चाहिए, और इन विधेयकों में अगर किसान देखना है और इन विधेयकों में किसान का हित देखना है तो मेरे मित्रों, राजनीति का चश्मा उतारकर किसान का चश्मा लगा लो तो किसान का हित इसमें दिखाई देगा। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। राइट टू रिप्लाई, नो अधीर रंजन जी, राइट टू रिप्लाई। तोमर साहब को भाषण सुनने में